रूस और यूक्रेन जंग का 24वां दिन, यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। बीती रात कई सीरियल धमाके में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंची। निकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला, कई इमारतें खंडहर बन गई। डोनेस में भी रूस ने किया हमला, लेकिन यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमला नाकाम करने का बड़ा दावा किया। यूक्रेन के लवीव पर रूस के हमले लगातार जारी, रूस ने दागी कई मिसाइलें। रूसी धमाके से दहला यूक्रेन का लवीव एयरपोर्ट, धुएं के गुबार का विजुअल सामने आया। आरोपों के मुताबिक लवीव एयरपोर्ट पर रूस ने एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी। ड्रोन से ली गई कीव की तस्वीरों में दिखाई पड़ा बर्बादी का मंजर, खंडहर में तब्दील दिखाई पड़ा शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव में जगह जगह बिखरा पड़ा रिहायशी इलाकों का मलबा। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव की कई इमारतों में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस ने नहीं रोके हमले तो फिर पीढ़ियां भुगतेंगे उसका परिणाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, युद्ध नहीं समस्या का बातचीत ही अंतिम समाधान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, रूस को अगर चीन ने दी सैन्य मदद तो फिर बीजिंग को चुकानी पड़ेगी इसकी भारी कीमत। मारियोपोल के एक थिएटर पर रूस ने दागे बम, यूक्रेन का दावा हमले में फंसे सैकड़ों लोग। बमबारी में पूरी तरह बर्बाद हो गया यूक्रेन का खार्किव शहर, हर तरफ दिखाई पड़ा तबाही और बर्बादी का मंजर। यूक्रेन संकट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत, रूस पर जंग रोकने के दबाव डालने का अनुरोध। यूक्रेन के उख्तियारका स्टेशन पर भारी गोलाबारी, रूसी हमले में पूरा स्टेशन हुआ तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की, रूस के खिलाफ जंग में मदद मांगी। कीव में रूसी सेना ने तेज किया हमला, पूरे दिन होती रही बमबारी। रूसी सेना के निशाने पर कीव के रिहायशी इलाके, रॉकेट और मिसाइलों से हमला। लवीव में एयरपोर्ट के पास रूसी सेना का हमला, एयरपोर्ट की 3 इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। लवीव में एक साथ 3 जगहों पर धमाका, इमारतों को भारी नुकसान। धमाकों में यूक्रेन की एक्ट्रेस की मौत, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारी के बीच लोगों का पलायन जारी, ओडेसा स्टेशन पर दिखाई पड़ी भारी भीड़। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के शहर डोनेत्स्क का हाल बेहाल, शहर में दिखाई पड़े जले हुए टैंक। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक अपार्टमेंट में रूस ने दागी मिसाइल, हमले में 1 की मौत, कई हुए घायल। कीव में रूस के हमले में 16 मंजिल इमारत में लगी आग, 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन का दावा, कॉलोनियों पर हमला कर रहे रूसी टैंक को ड्रोन हमले में तबाह किया गया। नेशनल गार्ड ने मारियोपोल में रूसी युद्ध सूचक अक्षर जेड से लैस गाड़ियों को जारी किया एरियल फुटेज। यूक्रेन में रूसी टैंक के हमले से बचने के लिए भागता दिखाई पड़ा एक नागरिक, वीडियो सामने आया। कीव में रूसी हमले के बीच अस्पतालों में फंसे सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे, 20 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित शेल्टरों में शिफ्ट किया गया। कीव में अस्पताल पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूसी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनकी सेहत का हाल जाना। जेलेंस्की ने रूस का एक घुटने टेकने से इंकार किया, कहा यूक्रेनी जवान दे रहे रूस को करारा जवाब। रूस जंग में लेबनान दे रहा यूक्रेन के साथ, रूस के आक्रमण की निंदा करने वाला लेबनान पहला अरबियन देश। यूक्रेनी सैनिकों में तरह तरह से भरा जा रहा है जंग का जोश, जवानों के आगे वायलिन पर बजाई गई राष्ट्रगान की धुन, जवानों ने सैल्यूट किया। फ्रांस ने युद्ध से बर्बाद यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, रूस से जंग में तबाह घरों की मरम्मत करेगा फ्रांस। यूपी में 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, शाम 4 बजे होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी होंगे शामिल, बीजेपी शासित सीएम और डिप्टी सीएम को भी न्योता। अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा सहयोगी दलों के प्रमुख भी होंगे शपथ समारोह में शामिल। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ में आने का न्योता, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा समारोह, स्टेडियम में तेज हुई तैयारियां।
योगी आदित्यनाथ के साथ कितने मंत्रियों की होगी शपथ, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले संघ प्रमुख का गोरखपुर दौरा, कल गोरखपुर जाएंगे मोहन भागवत। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे मोहन भागवत, स्वयं सेवकों के साथ करेंगे बैठक। 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल के साथ घाटी में सुरक्षा को लेकर बैठक। फिल्म कश्मीर फाइल के निदेशक विवेक अग्निहोत्री को सरकार ने मुहैया कराई वाई श्रेणी की सुरक्षा, विवेक को मिल रही धमकियों का हवाला दिया। फिल्म कश्मीर फाइल के खिलाफ मुखर हुए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा फिल्म में नहीं दिखाया गया सच। उमर अब्दुल्ला की माने तो फिल्म कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे झूठ दिखाए गए, तत्कालीन सरकार के बारे में झूठा प्रचार किया गया। डॉक्यूमेंट्री उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। फिल्म कश्मीर फाइल पर भड़के विवाद किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इशारों, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को ठहराया कसूरवार। कश्मीर फाइल देखने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने उठाए सवाल, कहा दिखाया गया सिर्फ आधा अधूरा सच। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, नलिन कोहली बोले पूरी चर्चा को समय और काल में बांध रहे कांग्रेस के नेता। वाराणसी में साधु संतों ने थिएटर में जाकर देखी कश्मीर फाइल, बोले कश्मीर में होनी चाहिए मंदिरों की पुनर्स्थापना। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले द कश्मीर फाइल्स की तरह 1984 के सिख दंगों पर बननी चाहिए फिल्म। कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, दिग्विजय सिंह बोले तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को था बीजेपी का समर्थन। हिमाचल प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल, सीएम जयराम ठाकुर बोले मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुए घटनाक्रम का चश्मदीद। पंजाब में भगवान मान मंत्रिमंडल पर आम आदमी पार्टी के आलाकमान की मुहर, आज सुबह 11 बजे 10 विधायकों के साथ लेंगे मंत्री पद की शपथ। भगवान मान ने ट्वीट कर लिखा जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें ईमानदार सरकार देनी है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हलचल तेज, गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद की 1 घंटे तक चली बातचीत, पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। गुंडा में दो बाइक की आपस में टक्कर है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण, मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। गोंडा में दो बाइक की आपस में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। अमेठी में 2 गुटों में मारपीट, 14 हुए घायल, इलाके में तनाव का माहौल। झबुआ में कुएं में डूबने से मां बेटी समेत 3 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटे। गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों से भरे गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शाहजहांपुर में डबल मर्डर, चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। पुर में नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में युवक का शव बरामद, पुलिस को आत्महत्या करने की आशंका। अबोहर में पिस्तौल की नोक पर किसान से लूट, कार सवार लोगों ने फायरिंग की।